नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों ये वीडियो SBI CSP रिलेटेड है। आज इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, जो कि सुन के हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ SBI CSP पर जो भी आज के डेट पर हम लोग अकाउंट खोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है इंस्टेंट अकाउंट अगर हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद लास्ट में हमारा जो रेफरेंस कार्ड निकलता है वहाँ पे एक कुछ CIF और अकाउंट के जगह पे कुछ एरर आता है, सिलेक्टेड बास्ट कस्टमर डिटेल CIF नॉट फ्रॉम बास्ट कस्टमर, ऐसा कुछ जो भी आता है रेफरेंस कार्ड पर अकाउंट पर CIF नंबर नहीं आता, लेकिन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रिंट करने के बाद वहाँ पे आ जाता है। तो ये तो कुछ एरर आ रहा था जो भी हो, लेकिन आज के डेट पर कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कल भी ये आपके साथ भी हो सकता है, या ये कुछ सिस्टम जो है चेंज हुआ है, मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा, लेकिन जो हुआ है वो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट खोलने के लिए ट्राई किया, तो अगर सेकंड अकाउंट कोई कस्टमर आता सेकंड अकाउंट खोलने के लिए ट्राई करता तो मैं उसको जो है पूरा फुल आपको बता पाता। जब कस्टमर आए थे आज मेरे पास अकाउंट खोलने के लिए, जैसे कि हम इंस्टेंट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालते हैं, KYC रेफरेंस नंबर, उसके बाद में मोबाइल नंबर एंड देन सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। तो दो बार सेंड करने के बाद हमारे डिस्प्ले पर लिखा हुआ आता है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ वेट करना पड़ता है, और जिस रूल से चल रहा था उस रूल के मुताबिक हम कस्टमर के अकाउंट से FIGS लिख के OTP लिख के रिप्लाई करने के बाद वहाँ पे डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर का जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल होता था। तो क्या हो गया घटना, कस्टमर जो है वो छोटा मोबाइल लेके आया, छोटा मोबाइल दिया मेरे हाथ में, मैं मोबाइल सामने रखा, डिस्प्ले पर मैंने रेफरेंस नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला, सबमिट बटन पर क्लिक किया, सेंड किया OTP, और वहाँ पे लिखा हुआ आया मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए प्लीज़ वेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं कस्टमर के मोबाइल पर जैसे ही हाथ लगाया तो यहाँ पर ना ही कोई OTP आया, कस्टमर का छोटा मोबाइल था वो ख़राब था, OTP नहीं आया। तो मैं उसी तहत जो है जल्द जल्दी में मैं जो पुराना मैसेज था उसके इनबॉक्स में उसको डिलीट करने लगा, डिलीट कर रहा था क्योंकि उसके इनबॉक्स पर बहुत ज़्यादा मैसेज हो गया था। तो डिलीट करते करते मेरा ऑलमोस्ट एक मिनट लग गया। तो जैसे वहाँ पे मैंने वेरीफिकेशन के लिए क्लिक करके रखा हुआ था और मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन का जो वेट लिखा हुआ जो ऑप्शन था वो वैसे ही था, मैं सोचा कि यहाँ पे OTP आ जाएगा, मैं फटक से रिप्लाई कर दूंगा। ये सोचते डिस्प्ले पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आया मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यानी कि मैं कस्टमर के मोबाइल से रिप्लाई भी नहीं दिया, कस्टमर के मोबाइल पे OTP आया भी नहीं, लेकिन जो हमने अकाउंट खोलने के लिए ट्राई किया था OTP सेंड किया और वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन OTP हम रिप्लाई करेंगे यहाँ से वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, वहाँ तक रुके हुआ था और अचानक से जो है वो सक्सेसफुल हो गया, कस्टमर के मोबाइल पर OTP भी नहीं आया, मैं रिप्लाई भी नहीं किया, FIGS के लिख के जो OTP लिख के हम रिप्लाई करते हैं नंबर पर वो मैंने रिप्लाई ही नहीं किया। तो अचानक से मैं डिस्प्ले पर फ्लो किया इसे तो वहाँ पे देखा था मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो मैं चौंक गया, मैं शॉक हो गया, कैसा हो गया। फिर थोड़ी देर में मैं सोचने लगा कि हो सकता है सर्वर का कुछ चेंजेस होगा, सर्वर ने कुछ अपडेट दिया होगा, सर्वर ने कुछ नया सिस्टम लाया होगा। फिर ये सोचा नहीं, हो सकता है कुछ सर्वर का एरर है, कुछ प्रॉब्लम है। तब मैं सोचा अगर आज मेरे पास दूसरा कोई अकाउंट खोलने के लिए आता है तो मैं वो अच्छे से देखूंगा, मोबाइल नंबर डाल के सेंड बटन पर क्लिक करूंगा, OTP सेंड करूंगा, और अगर यहाँ पे OTP भी आता है तो OTP मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, दोबारा मैं चेक करूंगा कि वहाँ पे मोबाइल नंबर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो लेकिन आज कोई दूसरा कस्टमर आया भी नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाया, इसीलिए मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से किसी के पास ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं होता है तो आज के डेट पर अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है पहले ऐसा कीजिए, KYC नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, सेंड बटन पर क्लिक कीजिए और आप OTP मत रिप्लाई कीजिए, देखिए वहाँ पे आपके डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्वर जो है कुछ अपडेटेड किया है, कुछ चेंजेस किया गया है, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ही लिया जा रहा है। तो सेकेंड थिंग जो है, हालांकि वो अकाउंट जो है फुल्ली मैं सबमिट नहीं कर पाया, वो सबमिट नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में जब मैं सबमिट किया तो वहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड कुछ दिखा रहा था, ये कस्टमर किसी और CSP पे गए थे, तो मैं भी हो सकता है उसके CIF निकल गया, लेकिन मेरे साथ आज ये घटना हुआ है। तो ये पूरा जो वाकई है या जो घटना है वो आपके साथ मैं शेयर करने के लिए कोशिश किया और वीडियो बना के आपके सामने आया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरा ये जो घटना है ये कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इसी तरह SBI CSP रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर बनते रहता है। यदि आप SBI CSP है तो हमारे चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना, वीडियो सब ग्रुप पर शेयर करना आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।